नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल रवि एल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करने के प्रोसेस के विषय में जानकारी देने वाले हैं कि उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे कराएं और कौन कौन शिकायत को दर्ज करवा सकता है तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले तो आइए शुरू करते हैं उपभोक्ता फोरम में शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है यदि आप ग्राहक हैं और आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हुआ है तो तुरंत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं बीते कुछ समय में देखा गया है कि ई कॉमर्स साइटों द्वारा भोले भाले ग्राहकों को नकली माल देकर या खराब सेवा देकर लूटा जा रहा है लेकिन अब इस तरह की कोई भी समस्या होने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आप अपनी शिकायत दर्ज करवाकर ऐसी चीट कंपनियों को सबक सिखा सकते हैं पहले किसी भी प्रोडक्ट की ख़राब क्वालिटी या नकली या डुप्लीकेट प्रोडक्ट जैसी समस्या होने पर उपभोक्ता मामलों की शिकायत के लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब इन सबसे मुक्ति मिल चुकी है अब आप अपनी शिकायत घर बैठे ही दर्ज करवा सकते हैं उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे दर्ज कराएं केंद्र सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल शुरू किया है इस पोर्टल के जरिए आप किसी भी उपभोक्ता मामलों की शिकायत फ़ोन एसएमएस और ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं इसके अलावा आप उपभोक्ता मामलों की शिकायत के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन और उमंग ऐप के जरिए भी आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं इन ऐप के माध्यम से आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं इस पोर्टल पर आपको शिकायत की जानकारी लगातार मिलती रहेगी तो आइए जानते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत कैसे करनी होगी उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपनी शिकायत को दर्ज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट डब्ल्यू पर जाना होगा जहां पर आपको एक ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा पंजीकरण करने के लिए आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी होगी जैसे नाम पता मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। इन डिटेल को सबमिट करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और इसके बाद आप आसानी से लॉग इन करके आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं उपभोक्ता तो फोरम में मोबाइल से शिकायत कैसे करें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप्लीकेशन या फिर उमंग ऐप को डाउनलोड करना होगा इसके बाद आपको कुछ जरूरी सूचनाएं देकर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं अगर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से शिकायत दर्ज करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों आप अपनी शिकायत फ़ोन के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं इसके लिए आपको राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर किसी भी दिन सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर शाम साढ़े पाँच बजे तक टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक चार शून्य 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 या फिर एक नौ एक पाँच पर कॉल करना होगा जहां पर आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और अगर जरूरत होगी तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के एजेंट आपके घर आकर संबंधित शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी प्राप्त कर लेंगे इसके अलावा आप एस के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिसके लिए आपको आठ एक तीन शून्य 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 नौ आठ शून्य नौ पर एस एम एस करना होगा अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने के लिए फीस कितनी देनी पड़ती है तो पाँच लाख रुपए तक की शिकायत अगर दर्ज करानी है तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी है जीरो रुपए आपको पे करने हैं और अगर, अगर आपकी शिकायत पाँच लाख से लेकर दस लाख रुपए तक के बीच की है तो आपको दो सौ रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी और अगर आपकी शिकायत दस लाख से बीस लाख रुपये तक की बीच की है तो चार सौ फ़ीस पे करना होगा और अगर आपकी शिकायत बीस लाख से पचास लाख रुपये के बीच की है तो आपको दो हज़ार की कोर्ट फ़ीस जमा करनी होगी और अगर आपका मामला पचास लाख रुपए से लेके एक करोड़ तक के बीच का है तो आपको चार हज़ार रुपये फ़ीस देने होंगे उपभोक्ता फोरम में अगर एक करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम का कोई मामला है जिसकी आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो पाँच हज़ार रुपये फ़ीस आपको जमा करनी होगी अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ तो जान लिया लेकिन क्या कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करने के बाद सालों साल हम सिर्फ मुकदमे ही लड़ते रहेंगे शिकायत ही देखते रहेंगे आखिर इसका निपटारा कब होगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा शिकायतों के निपटारे के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है अब किसी भी कंपनी सरकारी विभाग या एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के अधिकतम नब्बे दिनों के अंदर कंज्यूमर फोरम को मामले को निस्तारण करना होगा उसका निपटारा करना होगा उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आएगा यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले तो मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार